ये लड़का जो पकौड़े की दुकान चला रहा है, क्या लगता है वो मेहनत करके आखिर कितना अमीर बन सकता है? शायद ये आगे चलकर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल ले, या हो सकता है कि पैसे कमाकर एक बड़ा दो मंजिला मकान बना ले। इससे ज्यादा क्या ही कर लेगा ये, है ना? आप भी शायद यही सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यही वो लड़का है जो आगे चलकर पूरे भारत का सबसे अमीर आदमी बना। नाम है धीरूभाई अंबानी। तो आखिर कैसे एक पकौड़े बेचने वाले इस गरीब लड़के ने 75,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाली कंपनी बनाई, आज के इस वीडियो में हम इन डेप्थ स्टोरी जानने वाले हैं। हाँ, हो सकता है कि ये वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले जनरल वीडियो से थोड़ी बड़ी हो, लेकिन मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर ये आपके लाइफ में जरूर बदलाव लेकर आएगा। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 से, जब गुजरात के चोरवाड़ गांव के एक मिडिल क्लास फैमिली में धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ था। और यही साधारण सा दिखने वाला लड़का आगे चलकर धीरूभाई अंबानी के नाम से फेमस हुआ। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी गांव के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। और कुछ इसी तरह से जब धीरूभाई अंबानी 5 साल के हुए, तब उनका एडमिशन बहादुर खानजी स्कूल में करा दिया गया। हालांकि धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई लिखाई से कोई खास लगाव नहीं था, फिर भी पिता के डर से न चाहते हुए भी उन्हें स्कूल जाना ही पड़ता था। अब क्योंकि हीराचंद जी के कुल 5 बच्चे थे और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उन्हें स्कूल की सैलरी से घर चलाने में काफी प्रॉब्लम होने लगी थी। और दोस्तों, इसी गरीबी और तंगहाली से ही परेशान होकर एक दिन धीरूभाई अंबानी ने फैसला किया कि अब वो पढ़ाई छोड़कर कोई काम करेंगे। वैसे तो बेटे के इस फैसले से हीराचंद काफी नाराज हुए और उन्हें वापस स्कूल भेजने की कोशिश में लग गए, लेकिन धीरूभाई के जिद के सामने उन्होंने भी हार मान ली। अब दोस्तों, यहाँ धीरूभाई काम तो करना चाहते थे, लेकिन आखिर करें क्या ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। और इस तरह से काम की तलाश में वो इधर उधर घूमते रहे। और फिर इसी टाइम पर वो अपने गांव के एक मंदिर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अक्सर सुनसान रहने वाले मंदिर परिसर में आज बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब पता किया तो मालूम पड़ा कि यह भीड़ हर साल फरवरी के महीने में किसी प्राचीन मान्यता की वजह से लगती है। अब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखकर धीरूभाई ने सोचा कि यहाँ खड़े खड़े इन लोगों को भूख तो लगती ही होगी, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पकौड़े बेचे जाएं। और दोस्तों, अभी तक धीरूभाई को उनके पिता की तरफ से जो भी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिलती थी वो उसे एक गुल्लक में जमा कर देते थे, लेकिन अब उस गुल्लक को तोड़ने का समय आ चुका था। उन्होंने बिना किसी देरी के गुल्लक तोड़कर पैसे निकाला, उससे ठेला खरीदा और मंदिर के पास ही पकौड़े बेचने लगे। अब दोस्तों, इस धंधे से उन्हें शुरुआत में तो बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद जब श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी तो फिर उनकी आमदनी भी लगभग न के बराबर रह गई। ऐसे में उन्हें लगा कि अब यहाँ पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, इसीलिए उन्होंने अपना ठेला बेच दिया और सारे पैसों को बैंक में जमा करा दिया। आगे चलकर वो फिर से किसी काम की तलाश में लग गए। और फिर उस दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग यमन में काम करने के लिए जा रहे हैं, और आज से पहले जो भी वहाँ पर गए थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेटर हो गई थी। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, इसका जवाब ढूंढने पर धीरूभाई अंबानी को पता चला कि यमन में इंडिया से कई गुना ज्यादा पैसा बनता है। इसीलिए धीरूभाई अंबानी 1950 के दौरान महज 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई रमणिक लाल के पास में यमन चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद से रमणिक लाल ने ABCN कंपनी के पेट्रोल पंप पर धीरूभाई अंबानी को काम दिला दिया, और यहाँ काम करते हुए उनकी सैलरी 300 रुपए हर महीने की थी। अब दोस्तों, इस पेट्रोल पंप पर काम करते टाइम धीरूभाई अंबानी लोगों को कई अलग अलग प्रमोशनल मेथड से इनकरेज करते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसों का पेट्रोल डलवाएं। अब दोस्तों, उनके ऐसा करने की वजह से पेट्रोल पंप का रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ गया और उनके काम से खुश होकर उन्हें पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया गया। अब क्योंकि प्रमोशन होने की वजह से पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद भी धीरूभाई के पास काफी टाइम बच जाता था, तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि इस खाली टाइम में क्यों ना एक जॉब कर ली जाए। और फिर ऐसा सोचकर वो एक जगह पर क्लर्क के तौर पर भी काम करने लगे। अब दोस्तों, हम इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, पर अपनी चाय की आदत को नहीं बदल सकते, और धीरूभाई को भी चाय पीना बहुत पसंद था। अब वैसे तो इसके लिए उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो रोड साइड पर 10 पैसे की चाय पिए या फिर किसी 5-स्टार होटल में 1 रुपए की, लेकिन यहाँ पर धीरूभाई ने 1 रुपए वाली चाय को ही चुना, ताकि वो चाय की चुस्कियाँ लेते लेते आसपास के अमीर लोगों की बातों को सुनकर ये जान सकें कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं कि वो इतने अमीर हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो चाय पी रहे थे, तभी उन्होंने अपनी बगल वाली टेबल पर बैठे दो लोगों की बातें सुनी, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को बता रहा था कि क्या तुम्हें पता है हमारे यमन में जो चांदी के रियाल के सिक्के चलते हैं ना, उनमें लगी चांदी की कीमत इस रियाल से भी ज्यादा है, यानी कि 100 रुपए के सिक्कों में 110 रुपए की चांदी है। अगर कोई इसे पिघला कर निकाल ले तो फिर उसके पास पैसे ही पैसे होंगे।
अब वैसे तो ये अमीर लोग इस बात को बस मजाक मजाक में कर रहे थे, लेकिन धीरू भाई ने इसे सीरियसली ले लिया। उन्होंने एक मशीन खरीदी और फिर लाखों की संख्या में सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धीरू भाई का यह काम आगे बढ़ा, मार्केट में सिक्कों की कमी होने लगी और गवर्नमेंट भी इस बात से परेशान थी कि आखिर ये सिक्के जा कहां रहे हैं। और दोस्तों, जब गवर्नमेंट ने इस बात की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, तब धीरू भाई अंबानी का नाम सामने आया। हालांकि जब तक पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंचती, धीरू भाई सारे पैसे इकट्ठा करके वहां से इंडिया निकल चुके थे। ये साल था 1958 का, जब धीरू भाई वापस अपने घर पहुंचे और जब उनके पिता ने यह सुना कि वो नौकरी छोड़कर आए हैं, तो वो काफी ज्यादा नाराज हुए। रिश्तेदारों ने भी काफी क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, यमन से वापस आकर कुछ समय गांव में बिताने के बाद उन्होंने कोकिला बहन से शादी कर ली और फिर उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुंबई चले गए। 1958 में ही उन्होंने 50,000 रुपए की पूंजी के साथ रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम से ऑफिस खोला और मसालों का व्यापार करने लगे। कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि मसालों की बजाय अगर सूत का व्यापार किया जाए तो उससे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इस व्यापार के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अपनी कजन चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर व्यापार करने का सोचा, जो पहले उन्हीं के साथ यमन में रहा करते थे। लेकिन जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में एंटर करने की ट्राई की, तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर व्यापारियों ने एक यूनियन बना रखा है और वो सभी मिलकर किसी भी नए व्यापारी को इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं होने देते हैं, और अगर किसी को एंटर करना भी है तो उससे पहले यूनियन के लीडर से परमिशन लेनी पड़ती है। इस तरह से एक नए फील्ड में उतरना धीरू भाई अंबानी के लिए काफी चैलेंजिंग हो गया था। हालांकि काफी मेहनत मशक्कत के बाद उन्हें ये परमिशन तो मिल गई, लेकिन इसके बाद उन्हें पता चला कि वो जिन फैक्ट्रीज से सूत खरीद रहे थे, उन्होंने भी एक यूनियन बना रखा है और जिन्हें फाइनल प्रोडक्ट बेचा जाता था, उनका भी एक अलग यूनियन है। इस तरह से ये सभी मिलकर इन बीच के ही व्यापारियों को लूट रहे थे, क्योंकि एक तो फैक्ट्री वाले सूत महंगे में सेल कर रहे थे और दूसरी तरफ खरीदार उसे सस्ते में ले रहे थे। बीच में नुकसान हो रहा था धीरू भाई और उनके जैसे कई सारे व्यापारियों का। ये सब देखने के बाद धीरू भाई ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और अपने यूनियन के सभी मेंबर्स को इकट्ठा करके यह डिसाइड किया कि हम सब फैक्ट्री से सस्ते में माल उठाएंगे और महंगे में बेचेंगे, ताकि हमें भी अपने हक का पूरा प्रॉफिट मिल सके। हालांकि ऐसा करने पर मुंबई के कई बड़े व्यापारी नाराज हो गए और इसीलिए उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर को पैसे खिलाकर उस जगह पर ताला लगवा दिया जहां पर खरीदारी के लिए बोली लगाई जाती थी। लेकिन दोस्तों, धीरू भाई अंबानी का दिमाग भी किसी से कम थोड़ी था। उन्होंने जब गोदाम में ताला लगा देखा तो अपना विरोध जताने के लिए यूनियन के मेंबर्स के साथ मिलकर अपना सारा माल उसी आईएएस ऑफिसर के घर के सामने रखवा दिया। अब कुछ ही घंटों में उस आईएएस ऑफिसर के घर पर बड़े ऑफिशियल्स आने वाले थे और अगर वो घर के सामने बिखरी हुई बोरियों को देख लेते तो फिर उन्हें आईएएस के हरकतों का पता लग जाता। इसी वजह से अपनी नौकरी को बचाने के लिए कुछ ही मिनटों के अंदर उस आईएएस ऑफिसर ने ताला खुलवा दिया और धीरू भाई समेत उन सभी व्यापारियों का कारोबार फिर से चल पड़ा। अब दोस्तों, इसके कुछ साल के बाद तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर चंपकलाल दमानी और धीरू भाई अंबानी के बीच में डिस्प्यूट होने लगी। असल में दोनों का बिजनेस माइंडसेट बहुत ज्यादा अलग अलग था, इसीलिए 1965 में चंपकलाल दमानी ने पार्टनरशिप खत्म करने की सोची और फिर दोनों अलग हो गए। 1966 में धीरू भाई अंबानी ने गुजरात के नरोदा में टेक्सटाइल मिल शुरू की और फिर यहां से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी दौरान सरकार रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस लेकर आई, जिसके तहत व्यापारी बाहर के देशों से सस्ते फैब्रिक मंगा सकते थे, लेकिन शर्त ये थी कि उससे कुछ नया बनाकर वापस से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना होगा। यहाँ पर धीरू भाई अंबानी ने चालाकी दिखाते हुए अपनी सारी सेविंग से विदेशी फैब्रिक खरीद लिया और फिर उससे तरह तरह के आउटफिट्स जैसे कि टी शर्ट, शॉल और शॉर्ट्स बनाने लगी। इस नए कारोबार के लिए ब्रांड नेम रखा गया था विमल, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। अब मशीनें लग चुकी थी, कपड़ों का प्रोडक्शन भी भारी मात्रा में कर लिया गया था, लेकिन उन्हें बाजार में उतरने से रोकने के लिए दूसरे टेक्सटाइल मालिकों ने एक चाल चली। एक्चुअली उन्होंने अपने सभी रिटेलर से यह कह दिया था कि अगर धीरू भाई अंबानी से आपने माल खरीदा तो फिर वो उन्हें आगे से माल नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरे टेक्सटाइल मालिकों की ये साजिश भी धीरू भाई अंबानी को रोक नहीं सकी। धीरू भाई पूरे देश में घूमे और रिटेलर्स को ये भरोसा दिलाया कि वो माल उन्हीं से ही खरीदे। उन्होंने सभी रिटेलर से ये वादा किया कि अगर नुकसान होगा तो उनके पास आना और अगर मुनाफा हुआ तो अपने पास रख लेना। धीरू भाई की ये बात थोक व्यापारियों को भी भा गई और उन्होंने उनसे जमकर कपड़े की खरीदारी की। अब चूंकि पॉलिस्टर की क्वालिटी मार्केट में मौजूद बाकी ब्रांड्स के मुकाबले बहुत ही बढ़िया थी, इसीलिए विमल के कपड़ों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी।
और दोस्तों एक मौका तो ऐसा भी आया जब एक ही दिन में देश भर में विमल के 100 शोरूम्स का उद्घाटन किया गया और विमल उस जमाने का नंबर वन पॉलिस्टर ब्रांड बन गया। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की टीम ने जब धीरू भाई के नरोदा स्थित कपड़ा मिल का इंस्पेक्शन किया तो फिर उन्होंने इसे इंडिया का बेस्ट टेक्सटाइल मिल कहा। साथ ही यहाँ पर बने हुए कपड़े डेवलप्ड कंट्री के स्टैंडर्ड्स पर भी एक्सीलेंट साबित हुए। लेकिन दोस्तों ये सफर धीरू भाई अम्बानी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब इनके कॉम्पिटिटर्स को ये पता चला कि धीरू भाई अम्बानी रिप्लेनिशमेंट का गलत फायदा उठा रहे हैं, तब उन्होंने धीरू भाई अम्बानी पर केस कर दिया। इसके बाद से धीरू भाई अम्बानी ने ये सफाई दी कि शर्तों में ये कहां लिखा गया है कि बाहर के देशों से माल मंगाकर 100% प्रोडक्ट को ही एक्सपोर्ट कर देना है। असल में धीरू भाई अम्बानी विदेशी फैब्रिक से बनाए गए कपड़ों में से कुछ हिस्सा फॉरेन मार्केट के लिए रवाना कर देते थे और फिर बाकी का डोमेस्टिक के लिए रख लेते थे। और दोस्तों उनकी इस स्ट्रेटेजी से उनके बिजनेस को काफी प्रॉफिट भी हुआ। साथ ही विमल देश सहित विदेशों में भी अपनी अच्छी पहचान बनाने में कामयाब हो गया। इस एरिया में मिली सफलता के बाद धीरू भाई अम्बानी ने धीरे धीरे कई और भी दूसरे सेक्टर्स में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। 8 मई 1973 को कंपनी का नाम रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन से बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया और 1976-77 के बीच इसका एनुअल टर्नओवर 70 करोड़ रुपए हो गया था। अब दोस्तों आया जनवरी 1978 जब धीरू भाई अम्बानी ने आजाद भारत का पहला IPO लाने का विचार किया और फिर अपनी कंपनी को बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया। 10 रुपए शेयर प्राइस पर 2.8 मिलियन इक्विटी शेयर्स का IPO पेश किया गया, जिस पर इन्वेस्टर्स ने जमकर भरोसा जताया और 58,000 इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया था। इस स्टॉक से लोगों ने भरपूर प्रॉफिट कमाया और ये इतना पॉपुलर हो गया कि जब 1986 में कंपनी की एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग रखी गई तो फिर उस टाइम पर 30,000 शेयर होल्डर्स उसमें शामिल हुए, जो कि इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन गया था। कमाल की बात तो ये थी कि उस टाइम पर बॉम्बे में एक भी ऐसा हॉल नहीं था जो कि इतने लोगों की कैपेसिटी को होल्ड कर सके। इसी वजह से इस मीटिंग को एक मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया था। 1980 में धीरू भाई अम्बानी ने महाराष्ट्र के पाताल गंगा में पॉलिस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला और काफी कोशिशों के बाद तेल के उत्पादन के लिए भी सरकार से लाइसेंस हासिल कर ली। इस तरह एक टाइम पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरू भाई अम्बानी की अपनी खुद की ऑयल प्रोडक्शन कंपनी हो गई। इसके बाद आया 16 फरवरी 1986 जब धीरू भाई को पहला हार्ट अटैक आया। एक्चुअली उन्होंने अपने बेटे मुकेश अंबानी को बताया कि उनकी पीठ में काफी तेजी से दर्द हो रहा है और इससे पहले कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता वो अनकॉन्सियस हो गए थे। अब जब मुकेश अंबानी उन्हें लेकर अफरा तफरी में हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगले 42 घंटे इनके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। लेकिन दोस्तों इतनी सीरियस हालत होने के बावजूद होश आते ही उन्होंने अपने बेटे को देखते हुए कहा, तुम परेशान मत हो ना बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस स्ट्रोक के बाद से धीरू भाई अम्बानी का एक हाथ पैरालाइज हो गया था, लेकिन धीरू भाई अम्बानी ने डिसाइड किया कि ये उनकी कमजोरी नहीं बनेगा। इसीलिए लगातार 3 महीनों तक उन्होंने खूब एक्सरसाइज की, डाइट पर पूरा ध्यान दिया और लाइफस्टाइल में बदलाव किया। इसका असर ये हुआ कि धीरू भाई का हाथ पहले से काफी ठीक हो गया। अब दोस्तों आगे चलकर धीरू भाई अंबानी एक ऐसे गोल्डन एरा में एंटर हुए जब इनके बिजनेसेस कई सारे सेक्टर्स में तेजी से एक्सपेंड होने लगे। एक्चुअली 1992 में धीरू भाई अंबानी ने वो करके दिखाया जो कि उस समय की बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज ने सपने में भी नहीं सोचा था। असल में इस साल कंपनी ने ग्लोबल मार्केट से भी फंड जुटाना शुरू कर दिया और ऐसा करने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बन गई थी। साल 1995-96 में धीरू भाई अंबानी ने 9X USA के साथ मिलकर अपनी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की भारत में शुरुआत की। इसके बाद से 1998 से 2000 के दौरान धीरू भाई अंबानी ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स को गुजरात के जामनगर में ओपन किया। और दोस्तों इस टाइम तक धीरू भाई अंबानी का इतना बड़ा नाम हो गया था कि उन्हें देश सहित विदेशों में भी पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी। ये पॉपुलैरिटी तब और भी इंक्रीज हो गई जब साल 1996-98 और 2000 यानी कि 3 साल उन्हें एशिया वीक मैगजीन ने पावर 50 मोस्ट पावरफुल पीपल इन एशिया की लिस्ट में शामिल किया था। ये इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात थी और इससे भारत के पोटेंशियल्स के बारे में बाकी के देशों को भी अंदाजा होने लगा था। इतना ही नहीं, 15 जून 1998 को धीरू भाई अंबानी पहले इंडियन बने जिन्हें बेहतरीन लीडरशिप के लिए द वॉर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की तरफ से डीन्स मेडल से नवाजा गया था। इसके अलावा 1999 में धीरू भाई अंबानी को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 2001 में द इकोनॉमिक टाइम्स ने इन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया। और दोस्तों कहते हैं कि ये सब अवार्ड और सम्मान भले ही सिर्फ धीरू भाई अंबानी को मिले, लेकिन उनकी इस सफलता के पीछे उनकी वाइफ कोकिला बेन का भी पूरा हाथ था।
एक्चुअली जब धीरूभाई अंबानी मुंबई शिफ्ट हुए थे तब उन्होंने कोकिला बहन को इंग्लिश सीखने के लिए कहा था ताकि व्यापार में वो भी उनकी मदद कर सके। इसके अलावा धीरूभाई अंबानी जब भी कोई नया काम शुरू करने जाते थे तो फिर उस पर कोकिला बहन का विचार जरूर मांगते थे। और दोस्तों इसी तरह के सपोर्ट और मेहनत का ही नतीजा है कि मसाले और पॉलिस्टर बेचने से शुरुआत करने वाले धीरूभाई अंबानी साल 2000 तक देश के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो चुके थे। उन्होंने 350 स्क्वायर फीट के कमरे से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और फिर देखते ही देखते रिलायंस देश की टॉप कंपनीज में गिनी जाने लगी। कहा जाता है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए अंबानी बेहद डिसिप्लिन लाइफ जीते थे। उन्होंने अपने काम करने के घंटे भी तय कर रखे थे और कभी भी 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते थे। लेकिन पहले हार्ट अटैक के बाद से उनकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी, जिसके चलते उन्हें हर थोड़े दिनों में ही हॉस्पिटल्स का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों फिर आया 24 जून 2002 का वो दिन जब धीरूभाई अंबानी को फिर से एक डेडली स्ट्रोक आया और उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। यहाँ पर डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन लगातार ट्रीटमेंट के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार देखने को नहीं मिला और इसी वजह से आखिरकार 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और अरबों का साम्राज्य अपने बेटों के लिए छोड़ गए। जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी उस समय कंपनी का टर्नओवर 75,000 करोड़ रुपए हो गया था और ग्लोबल फॉर्च्यून 500 लिस्ट में भी रिलायंस ने अपनी जगह बना ली थी। कमाल की बात तो यह है कि इतनी दौलत और शोहरत हासिल करने के बाद भी उन्होंने एक बहुत ही साधारण जीवन जिया और अपनी रूट्स को कभी नहीं भूले। एक मामूली से पकौड़े बेचने वाले के लिए जीरो से शुरुआत करके कई पीढ़ियों तक चलने वाला एक साम्राज्य खड़ा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने यह काम करके दिखा दिया।